सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज हम करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल करी थी बैंकर्स एल्गोरिथम के, बाय सेफ्टी एल्गोरिथम। आज हम करेंगे उसी एग्जांपल को बाय रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिथम। किससे करेंगे? बाय रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिथम। सपोज करो उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास पाँच प्रोसेसेस, दैट इज P0, P1, P2, P3 एंड P4, ठीक है। और तीन रिसोर्सेज थे ए, बी एंड सी, ठीक है। तीन टाइप्स के रिसोर्सेज थे ए, बी एंड सी। जो ए रिसोर्स था उसके 10 इंस्टेंसेस थे, ठीक है। और जो बी रिसोर्स था उसके 5 इंस्टेंसेस थे, एंड सी रिसोर्स हैज़ 7 इंस्टेंसेस थे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सपोज करना है हमें कि जो P1 प्रोसेस है, क्या सपोज करना है इसमें हमें कि जो P1 प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके एक रिसोर्स ए के पास एक इंस्टेंस है और दो इंस्टेंसेस हैं रिसोर्स सी के पास, ठीक है। किसके पास? रिसोर्स सी के पास, ठीक है। सो इसमें रिक्वेस्ट क्या बन गई हमारे पास, दैट इज़ 102 ए बी सी, ठीक है। ए के 1, बी का 0 रह जाएगा क्योंकि बी का दिया ही नहीं कुछ। सी का रिक्वेस्ट दिए कि उसमें दो इंस्टेंसेस हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि जो हमारी रिक्वेस्ट दी थी हमने, ये वो इमीडिएट ग्रांट होगी या फिर बाद में ग्रांट होगी, ठीक है ना। अब हम करेंगे आगे इसको। अब इसमें क्या होता है, अब हमें फर्स्टली चेक करना है कि जो रिसोर्स है, ठीक है, जो रिसोर्स है वो किसके वो है इक्वल। इसमें क्या होता है, हमें चेक करना है कि जो रिसोर्स होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू किसकी होती है, अवेलेबल के, ठीक है। किसके इक्वल होते हैं जो रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल। सो रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट क्या थी हमारे पास, दैट इज़ 102, दैट इज़ इक्वल्स टू। और हमारे पास अवेलेबल कितनी थी, हम पिछली एग्जाम में अवेलेबल था हमारे पास, दैट इज़ 332। क्या था हमारे पास, दैट इज़ 332, जो कि हमारे पास ये आ गई ट्रू, विच इज़ ट्रू। अब हम देखेंगे इसमें कि जो P1 ने, वही मैं एक दूसरे टाइप से समझाती हूँ, जो P1 है उसने रिक्वेस्ट की थी 102 की, ठीक है, 1, 0, 2 की। अब ज़रूरत कितनी थी P1 की, दैट इज़ 1, 2। P1 प्रोसेस की नीड कितनी थी, दैट इज़ 1, 2, ठीक है ना। सो अवेलेबल कितना निकल गया इसमें, अब दैट इज़ अवेलेबल 1332 अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू अवेलेबल, इक्वल्स टू अवेलेबल कितनी नई स्टेट कितनी अवेलेबल है उसके पास, दैट इज़ 2, 3 एंड 0। कितनी अवेलेबल स्टेट आ गई है उसके पास, अब 2, 3 एंड 0। 3, 1, 0, 2, ठीक है ना। कितनी आ गई, 1 के पास कितनी आ गई, दैट इज 3, 0। 1 के पास कितनी आई, 2 माइनस 1 इज 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। अब हमने नई स्टेट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, हम हमारी नई स्टेट पे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि जो एलोकेशन निकालेंगे, हमारे पास अवेलेबल निकल गया, अब हम एलोकेशन निकालेंगे। एलोकेशन ऑफ P1 इज इक्वल्स टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू, एलोकेशन कितनी थी P1 प्रोसेस की, एलोकेशन कितनी है, दैट इज़ 200, ठीक है ना। प्लस रिक्वेस्ट कितना दिया हुआ है, 102, कितना दिया हुआ है, 102। सो कितनी एलोकेशन आ गई, 2 प्लस 1 इज 3, 0 एंड 2। और नीड कितनी आ गई P1 प्रोसेस की, दैट इज 122, ठीक है। नीड कितनी थी P1 प्रोसेस की, 122 माइनस रिक्वेस्ट, ठीक है, 102, दैट इज़ 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 इज़ 2,
टू माइनस टू इज ज़ीरो। अब हमारे पास नई हमारी वो बनेगी, नई स्टेट बनेगी, दैट इज यहाँ पे आएगा एलोकेशन, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे आएगी नीड, यहाँ पे आएगी अवेलेबल, कितना अवेलेबल है हमारे पास नया, ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे प्रोसेसेस पी ज़ीरो पी वन पी टू पी थ्री एंड पी फोर। हमारे पास एलोकेशन कितनी थी, अब एलोकेशन हमें गिवन है थी इसकी 010, पी वन प्रोसेस की एलोकेशन कितनी निकली, दैट इज़ 302, पी टू की हमें गिवन है 302, पी थ्री की 211 एंड पी फोर की 002। अब ज़रूरत नीड कितनी निकली, पिछले में नीड कितनी थी पी ज़ीरो की 743, अब हमने पी वन प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की थी रिसोर्सेज के लिए, तो पी वन प्रोसेस का सब कुछ चेंज होगा, इसकी एलोकेशन भी चेंज हुई, इसकी नीड कितनी निकली है मीन्स के पास 020, ठीक है, बाकी सबकी जो पिछले वीडियो में थी नीड निकली थी, बाकी सबकी वही नीड रहेगी, ठीक है। अब इसकी जो अवेलेबल स्टेट है वो भी चेंज हो चुकी है, दैट इज़ 2, 3 एंड 0, ये जो निकली थी हमारे पास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है, जो रिक्वेस्ट की थी प्रोसेस ने, जो नई हमारे पास स्टेट बनी है, ये सेफ स्टेट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे सेफ स्टेट है या नहीं, हम करेंगे इसकी हम सेफ्टी एल्गोरिथम निकालेंगे इसका, अब हम कि ये जो नई स्टेट बनी है हमारे पास पी वन की, इससे हमारा सिस्टम में जो प्रोसेसेस हैं वो सेफ स्टेट में है फिर नहीं है। फर्स्टली हम चेक करेंगे बाय इसमें क्या हमारे पास कंडीशन क्या है, पहले तो वर्क हमारे पास है 230 और फिनिश इक्वल है फॉल्स की, ठीक है। इसमें हमारे फर्स्ट पर समझ गया, आई को हम पहले 0 पुट करेंगे, ठीक है, जो कि इस मोमेंट पे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर हम आई को 1 पुट करेंगे, फिनिश करना है हम, दैट इज़ फिनिश 1 इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू में पुट करना है, ठीक है। सो वर्क कितना हमारे पास 230 प्लस अवेलेबल कितने हमारे पास एलोकेशन, दैट इज 302, सो कितना आ गया ये 532, कितनी आ गई 532। अब हम पुट करेंगे आई को 2, आई को 2 पुट करा, आई को 2 पुट करा तो कितना आ गया, आई को 2 पुट करा तो हमें चाहिए था 532, लेकिन इसके पास कितना है, दैट इज़ 600, इसलिए ये नहीं चलेगा। सो हम बी में क्या पुट करेंगे, आई को 3, सो फिनिश ऑफ 3 इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। सो वर्क इज़ इक्वल्स टू 532 वर्क प्लस एलोकेशन कितनी है इसकी, इट्स 211, सो कितना आंसर आ गया, दैट इज़ 743, कितना आ गया 743। सो अब हम आई को 4 पुट करेंगे, तो फिनिश 4 इक्वल्स टू ट्रू, सो वर्क इज इक्वल्स टू 743 प्लस कितनी एलोकेशन है 002, दैट इज 745। अब हम वो प्रोसेसेस चलाएंगे जिनको अभी हमें चेक नहीं करा, दैट इज पी ज़ीरो एंड पी टू, ठीक है ना, उसको हम किसी भी ऑर्डर में चला सकते हैं, दैट इज अप टू ऑन टू यू। दैट इज आई को हम 0 पुट करेंगे, दैट इज फिनिश आई इक्वल्स टू, दैट इज फिनिश 0 इक्वल्स टू ट्रू, सो वर्क इज इक्वल्स टू 745 प्लस 010, सो 755, ये आ गया 755। अब हम क्या करेंगे, आई को 2 पुट करेंगे, तो फिनिश 2 इक्वल्स टू ट्रू, सो वर्क इज इक्वल्स टू 755 प्लस 302, 755 प्लस 302, ठीक है। सो कितना आएगा, इट्स 1057, ये आ गया हमारे सारे प्रोसेस। अब हमारा इसमें सेफ सीक्वेंस क्या बनेगा, सेफ सीक्वेंस क्या बनेगा इसमें हमारा,
सेफ सीक्वेंस क्या बना इसमें हमारा, दैट इज़ P1 P3 P4 P2 P0 P2, ये बना हमारा सेफ सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल थी सॉल्व करी, जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वीडियो में की थी, बाय बाय सेफ्टी एल्गोरिदम। ठीक है, अब हमने करी बाय रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिदम। ठीक है, जिसमें क्या था रिक्वेस्ट में कि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको उसके जो रिसोर्सेज हैं वो चेंज कर दो, उसने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, जिससे कि वो कहता है कि जिससे वो कहता है कि डिसाइड कर लो तुम कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो इमीजिएट ग्रांट हो पाएगी या नहीं। हमने ये देखा था पहले कि जो रिक्वेस्ट भेजी उसने वो इमीजिएटली ग्रांट हो पाई या नहीं। फिर हमने देखा कि जो प्रोसेस नया बना है, नई स्टेट बनी है, क्या वो सेफ स्टेट में है या फिर नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।